मंच से विराजमान दूर अंदेशी के मालक नौजवानों के दिलों की धड़कन साढ़े मानसा जिले के माण मानजोर एस एस पी साहब सरदार नानक सिंह जी और उन्होंने नाल सरदूलगढ़ के डी एस पी साहब बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रीतपाल सिंह जी डी एस पी साहब समुचे दर्जा बदर्जा जिन्हें भी पुलिस कर्मचारी ने सारे शीश झुका के सिजदा करते हाँ और उन्होंने नाल मालवे की शान मालवे की धड़कन नौजवान दिलों की धड़कन बहुत ही सत्कारयोग भी कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़ साहब मेरिया सत्कारयोग मातावां ते भैणां जिन्हें भी वीर बजुर्ग इस संघर्षशील काफले का हौसला वधाउण दे लई शामिल होए ने सारयां नूं मेरे वल्लों गुरु फतेह की सांझ पाउंदे होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला जे थानू लगता है कि अज का कार्ज वाकई शलाघा जोग है वाकई तारीफे लै गए तो सानू सारयां नूं दूर अंदेशी के मालक सरदार नानक सिंह जी के नाम से ताड़ियां लाउणियां चाहीदियां। मैं सब तो पहला सोशल मीडिया के जरिए एस एस पी साहब सरदार नानक सिंह जी को एक धार्मिक स्थान को अच्छी परफॉर्मेंस देते सोशल मीडिया के जरिए देखा सी पटियाले की धरती तो असी माण महसूस करते हाँ कि सानू मानसा जिले में दूर अंदेशी के मालक ने धड़क जो नानक सिंह वर्गे एस एस पी साहब मिले है असी माण महसूस करते हैं इस गल का। एस एस पी साहब मानसा जिले की धरती तो जो मैं थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस में देखा सचमुच मैं अपने फोन से तुम सल्यूट करनी होंगी सी सोचनी होंगी सी कि जो साडे जिले का माण बन जाए अच सरदार कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी ने आशीर्वाद सदका अज मैं सच्ची मुची जदों सरदूलगढ़ के गली गली जाके मोटरसाइकिल के काफिले से यह होका दिंदे मैं तुहानू देखिया जागते दे रहो भाई जागते रहो जागते रहो का होका दिंदे जब मैं तुहानू अज सरदूलगढ़ की गली गली देखिया तो सचमुच कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी के आशीर्वाद सदका अज मैं तुहानू दिल सल्यूट कर दी। सत्कारयोग साथियों कल एस एस पी साहब डी एस पी साहब या पंजाब पुलिस के मेहनत सदका असी नशे में नथ नहीं पा सकते। सरदार नानक सिंह जी एस एस पी साहब जिन्हें गली गली जाके सरदूलगढ़ की धरती से होका मार के आए हैं कि जागते रहो जागते रहो एक चौकीदार ने जागते रहो कहने के नाल पिंड च चोरियां नहीं रुकदियां चौकीदार का काम होता है जागते रहो पर जागते रहो तो बाद हर घर का एक एक बंदा जब घर की छत पर बैठ के अपने घर की निगरानी रखेगा तो चोर फर होगा सच्चा कि झूठी गल है चोर फर होने चौकीदार के हके तो बाद जब हर घर की छत से एक एक मर्द से एक एक महिला जब डांग लेकर छत से खड़ेगी तो नशा बंद होना। एस एस पी साहब ने मौका दिता अपने मानसा जिले की पूरी पुलिस को नाल लेके साडा भी फर्ज बनता है कि असी भी जागते रहना है असी भी जागते रहना है जागते रहे वाले होके बुलंद करके हर घर की छत से हर गली की नुक्कर से हर सच्छ से हर पिंड की सच्छ से असी भी डांग लेके खड़े खड़े ने कि नहीं खड़े नशा बंद होना है ता नशा बंद होना है। सो मैं अज के इस सुंदर उपराले में बोलने तो मेरे को बहुत खुश है भाई जी दो मिनट बोलना हो चलो कोई गल नहीं जी मैं माफी चाहनी हाँ पर मैं एस एस पी साहब समुची पुलिस को यह बेनती करती हाँ कि मेरा पिता इस दुनिया
नशा नहीं किया, मेरे भरा भी नशा नहीं करते, मेरे हसबेंड भी नशा नहीं करते। कद उन्होंने जद पीढ़ी का टेस्ट नहीं वेख्या, वाहेगुरु ने पुत्र की दात दी नहीं। पर अज मैं खाखी वर्दी के विच इन्हां सारिआं दे सामने प्रण करदी हां कि जिथे भी मैनू नशा तस्कर मिलणगे, जिथे भी मैं देखांगी सचमुच पुलिस दे नाल नेड़ता बना के उन्हां तस्करां नूं नत्थ पाउण दे लई पुलिस दा साथ देऊंगी। मैं इत्थे बैठी हां मेरीआं सतकारयोग मातावां ते भैणां नूं भी निमरता सहित बेनती करदी हां कि औरत इक परसन है, औरत एक परसन है, पर औरत के नाल जुड़े हुए कई परसन ने। औरत का पति नशा करता है, औरत का पुत्र नशा करता है, औरत का बाप नशा करता है, औरत का पुत्र नशा करता है, भरा नशा करता है। औरत एक परसन है, औरत के नाल चार परसन जुड़े हुए है, एक पति, पुत्र, बाप ते भरा। ये चार परसन जेकर असी रोकना है उन्होंने जवानी बख्शनी है, उन्होंने मान सम्मान दुनिया के विच वधाउणा है, तो सानू पुलिस का साथ देना पड़ेगा। अगे करवा चौथ आउंदा है, मेरी बहुत सारिया भैणा करवा चौथ का वर्त रखदिया ने, घर वाले भी लंबी उम्र के लिए, और बहुत सारिया मेरिया भैणा वर्त रखदिया ने भरा की लंबी उम्र के लिए, पिता की लंबी उम्र के लिए। सानू ये वर्त रख के पखंड करने की लोड़ नहीं, जे वाकई तुसी अपने पति की पुत्र की पिता की लंबी उम्र मंगदियां हो